यूक्रेन ने रूस की सीमा में घुसकर कुर्स्क पर जो तबाही मचाई, अब वह बैकफायर करते हुए यूक्रेन पर ही भारी पड़ती नजर आ रही है। रूस ने अपनी सीमा में घुसे यूक्रेन पर कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की कोशिश का आरोप लगाया था। दावा है कि रूस ने ऐसा कर दुनिया का ध्यान कुर्स्क घुसपैठ की ओर खींचकर बड़ा दांव चला था। माना जा रहा है कि अब रूस अपनी इसी चाल में कामयाब होता भी नजर आ रहा है। दरअसल रूस ने दावा किया कि यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क में घुसपैठ के बाद न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाने की कोशिश की है। रूस ने दावा किया कि एक ड्रोन के टुकड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट के परिसर में मिले थे, जो प्लांट में इस्तेमाल ईंधन परमाणु भंडारण सुविधा से करीब 100 मीटर की ही दूरी पर था। прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано. अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की एंट्री ने इस पूरे विवाद में नया मोड़ ला दिया है। एजेंसी के चीफ राफेल ग्रोसी कुर्स्क के न्यूक्लियर प्लांट का खुद ही जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने कहा कि गंभीर हालातों को देखते हुए मैं व्यक्तिगत रूप से कुर्स्क पहुंचा हूं। रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाते हुए इसे परमाणु आतंकवाद करार दिया, जबकि यूक्रेन ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच कुर्स्क नया युद्ध का अखाड़ा बन चुका है, जहां दोनों पक्षों की ओर से भीषण लड़ाई जारी है। यूक्रेन ने अब तक 1,263 वर्ग किलोमीटर रूसी इलाके पर कब्जा कर लिया है। वहीं कुर्स्क में यूक्रेन सेना 3 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। ऐसे में कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमले के दावों ने चिंता बढ़ा दी है। रूस का ये दावा सुज्जा में लड़ाई के कुछ ही सप्ताह बाद आया, जिसमें यूक्रेन के जरिए यूरोप तक पहुंचने के लिए रूसी नेचुरल गैस के एकमात्र पंपिंग स्टेशन के स्थान पर चिंता जताई गई थी। IAEA के निदेशक ने प्लांट का दौरा करने के बाद बड़ा बयान दिया है। राफेल ग्रोसी ने कहा कि पश्चिमी रूस के एक परमाणु संयंत्र, जहां रूसी और यूक्रेनी सेनाओं के बीच लड़ाई चल रही है, एक गंभीर दुर्घटना की चपेट में है, क्योंकि इसमें एक सुरक्षा बंद गुंबद की कमी है जो इसे मिसाइलों, ड्रोन और तोपखानों से बचा सके। यहां जल्द ही परमाणु दुर्घटना का खतरा पैदा हो गया है। अगर यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया तो यह हादसा साल 1986 के चेर्नोबिल से भी ज्यादा हो सकता है। अगर प्लांट को नुकसान पहुंचा तो कई यूरोपीय देशों को रेडिएशन का सामना करना पड़ सकता है। We see the plant still operating, but at the same time, the fact that the plant is operating make it even more serious in terms of an eventual action against it. When a plant is operating, the temperature is much higher, and if there was the case of an impact or something that could affect there would be serious consequences. IAEA के निदेशक ने बताया कि उनका दौरा करने का मकसद दुनिया का ध्यान इसकी ओर खींचना था। परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर किसी भी तरह से कभी भी हमला नहीं किया जाना चाहिए। डिफेंस एक्सपर्ट्स के माने तो कुर्स्क परमाणु संयंत्र के पास जारी हमले युद्ध की दिशा बदल सकते हैं। बता दें कि ये पहली बार नहीं है, यूक्रेन ने युद्ध शुरू होने के बाद से IAEA ने परमाणु संयंत्रों के आसपास की लड़ाई के खतरों के बारे में बार बार चेतावनी दी है। बता दें कि रूस 11 न्यूक्लियर पावर प्लांट में कम से कम 37 परमाणु रिएक्टर ऑपरेट करता है। यूक्रेनी सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर कुर्स्क प्लांट रूस की 3 सबसे बड़ी परमाणु सुविधाओं में से एक है। दावा है कि कुर्स्क प्लांट हालिया लड़ाई से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट में 3 नंबर का रिएक्टर काम कर रहा है, चौथे का मेंटेनेंस चल रहा है, एक नए रिएक्टर ब्लॉक का निर्माण भी किया जा रहा है। यूक्रेन में 4 NPP में 15 परमाणु रिएक्टर हैं।